2005 में यहाँ पे तोड़ना स्टार्ट हुआ था, उस टाइम मैं 7th स्टैंडर्ड में था, जो हम लोग का घर वहाँ पे था मस्जिद के वो साइड पे। उस टाइम मैं 7th स्टैंडर्ड में था जब हम लोग घर स्टार्ट हुआ तोड़ना। हम लोग स्कूल में थे, हम लोग अंदर भी नहीं आने थे, हम लोग का स्कूल BMC स्कूल, हम लोग देवनार में पढ़ते थे। एट द टाइम हम लोग ने जब यहाँ पे स्टार्ट किया था रहना, उस टाइम हम लोग 8 साल के 9 साल के ऐसा हम लोग का एज था उस टाइम पे। यहाँ पे हम लोग लकड़ा सा झोपड़ी टाइप बना के उसके ऊपर बाकड़ा बना के रहते थे दैट टाइम पे, और उसमें नीचे समंदर का पानी आता था। रात में हम लोग जागते थे, सोने नहीं मिलता था। उसके बाद जब इधर 2005 में तोड़ना स्टार्ट किए, जब वो लोग ने तोड़ा, फिर उसके बाद यहाँ पे लाठी चार्ज वगैरह हुआ, सब लोग को यहाँ से भगाना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद थोड़े टाइम बाद में कलेक्टर वाले ने वहाँ पर बिठाना स्टार्ट किया, जब वो लोग ने बिठाना स्टार्ट किया उसके बाद वो लोग ने उतने पे स्टॉप कर दिया। आगे वो लोग ने अपना जो प्रोसीजर था उसको कंप्लीट नहीं किया। फिर हम लोग ने अपना ज़बरदस्ती ताई की वजह से, ताई ने हम लोग को बहुत सपोर्ट किया, उसकी वजह से हम लोग ने ये पूरा बना के बैठे थे। वापस से कलेक्टर वाले ने BMC के सपोर्ट से, पुलिस वाले के सपोर्ट से फिर वहाँ पे क्या पूरा ये तोड़ दिया गया 2007 में। 2007 में तोड़ने के बाद यहाँ पे किसी भी तरह किसी को रहने नहीं दिया जा रहा था, पूरा बाउंड्री मार दिए थे, गार्ड वगैरह बिठाए थे प्रॉपरली। यहाँ किसी को अंदर आने का परमिशन नहीं था कि कोई भी आके यहाँ पे रहे, अंदर भी नहीं आ सकते यहाँ पे। ऐसा लेटरिंग वगैरह करने के लिए भी किसी को जाने नहीं दिया जाता था, गार्ड लोग मार के भगाते थे। कुछ टाइम तो ऐसा हुआ था, वो जो लोग ने बाउंड्री मारा था ना उसके ऊपर शॉक लगा के रखे था, करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह डाल के रखे, जिसके अंदर 4-5 लोग को मर भी गए थे उसमें, उस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। जब वो रूम टूटा फिर लोगों ने आग भी लगाई थी, और उस आग लगाने की वजह से कितने लोग ने मर गए थे उसके अंदर। उनको तो बेचारे, उनको अल्लाह जन्नत अदा करे, ऐसे लोग यहाँ पे मरे थे। बच्चे लोग यहाँ पे जब लोग रहते थे, छोटे छोटे बच्चे लोग से डूब के मरे, वो बाकड़े में से गिर के। इधर हेल्प ऑफ ये BMC जब रूम ने तोड़ा उसके बाद से किसी को रहने के लिए कोई यहाँ पे व्यवस्था नहीं थी। छोटे छोटे बच्चे लोग स्कूल में वगैरह कुछ भी नहीं था, लोग वहाँ जाते थे। उस टाइम पे लोग ने यहाँ पे रहना स्टार्ट किया था, जबकि बात है 2003-04 से लोग यहाँ पे प्रॉपरली, तो वो बाद में, लेकिन उससे पहले 99 से लोग यहाँ पे रहते हैं। 2000 का सर्वे यहाँ पे बराबर प्रॉपरली किया हुआ, सबके पास प्रूफ है, जो BMC ऑफिस का प्रॉपरली प्रूफ है यहाँ पे सबके पास। और जब ये लोग ने रूम तोड़ा था तो कितने लोग का ये समंदर के पानी के अंदर बह के गया, प्रॉपरली रहने के लिए किसी प्लेस नहीं था, रात में यहाँ बह गया, कितने लोग का जल गया उसी के अंदर। तो एट टाइम वहाँ पे कम से कम लोग यहाँ पे 5000 से ज़्यादा पीपल यहाँ पे रहते थे, लेकिन अभी नॉर्मली वो लोगों के पास सिर्फ 3500 ऐसा कुछ है, जिसने ऐसा सर्वे वगैरह किए प्रॉपरली, जिसके पास नॉर्मली कुछ लोगों के पास है जो थोड़ा आगे जाके भाड़े पे रहने लगे थे या फिर अपना रोड पे थे, लेकिन बाकी लोगों का पूरा इसमें जल गया या फिर बह गया ऐसा हुआ है। अभी इतना 11-12 साल से हम लोग पूरा इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं प्रॉपरली, हर एक जगह पे, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मंत्रालय, जितना भी है, आज़ाद मैदान, शिवाजी पार्क, हर एक जगह पे पूरा प्रॉपरली हम लोग लेकिन कहीं से कोई हल नहीं हमारे। जिस उम्र में हम लोग पढ़ना लिखना चाहिए उस उम्र में पुलिस का डंडा खाया है हम लोगों ने। यहाँ पे पुलिस वाले लोग को भी इतना होता कि सपोर्ट करना चाहिए, लोग हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज किए 10-12 साल की उम्र में, हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, स्कूल में आना जाना बंद करके रखे थे कोई भी, सब बच्चे लोग स्कूल छोड़, कितने लोगों का तो भविष्य बर्बाद हो गया, फ्यूचर ही रुक गया वहीं पे। अभी आपने कब डिसीजन लिया यहाँ फिर से बसने का? फिर से बसने का डिसीजन हम लोग का पूरा ये चालू था, जो भी हम लोग ने स्ट्रगल किया, जितना भी ताई के साथ यहाँ हम लोग जितना भी वो मोर्चे में गए हर एक जगह पे, हम लोग का तो स्टार्टिंग से यहाँ पे बैठने का था। हम लोग तो अभी ऐसा साइड में यहाँ हमारे सभाड़े पे रहते हैं, काहे को हमको जमीन छोड़ना नहीं था, हमने बचपन अपना इसी पे गुजारा, हमारा बचपन हमारे ना जाने सब इसी लोग में ही इस हम लोग दुनिया से रुखसत हो गए। अब हमारी भी वही नौबत है, अब हम भी बचपन से लेके जवान हो गए, अब हमारे बच्चों के अब हम भी खत्म हो जाएंगे, तब जाके झोपड़ा मिलेगा, क्या मतलब होगा उस झोपड़े का जब हम ही खत्म हो गए। लोग यहाँ पे अपना जिंदगी पूरा गुजर बसर किए, लोग अपना छोटा मोटा घर बना के रहते थे, दुनिया से रुखसत हो गए इस झोपड़े की वजह से। लोगों ने क्या क्या नहीं किया यहाँ पे, कितने बिल्डर्स लोग ने अपना यहाँ पे सपोर्ट डाला कि हम लोग यहाँ पे रहेंगे, गरीबों को हटाओ, रूम तोड़ने का, फिर उनको आग लगाने का, गुंडे वगैरह भेजने का, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे हुआ है। लोगों ने यहाँ पे मार भी खाई, हर एक चीज वाला कर्फ्यू लगा है, कितने लोग ये मारपीट में लाठी चार्ज में लोग मर भी गए, न जाने कितने लोगों के ऊपर अवैध रूप से केस बनाया गया है यहाँ पे, और लोग एकदम बोलते ना एकदम बेकसूर लोग को उठा के सब जेल में अंदर डाल डाल के रखे हुए, जिनके ऊपर आज भी कुछ लोग तो अभी भी केस चल रहा है, अभी तक कितने लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर केस चल रहा है। मेरे ऊपर चल रहा भाई, देखो इनके अभी तक चल रहा है, मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैं होटल में बैठ के चाय पी रहा था, वहाँ तो मेरे को पकड़ के लेके गए, आज तक मेरे ऊपर केस चल रहा है, आज 30 तारीख को केस है, ये झोपड़े गए, हाँ झोपड़े गए। अब बताइए ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर केस चल रहा है, सरकार जुल्म के टक्कर में,